नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आरसीईआरटी की बुक्स की लेसन नंबर 7, 8 और 9 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आरसीईआरटी एग्जाम के लिए, जो कि 6 दिसंबर 2020 को होने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड का ये वीडियो है। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर आरसीईआरटी एग्जाम के लिए लेसन वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट के वीडियो लगातार अपलोड हम कर रहे हैं, और आज ये हमारा 6ठा वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के साथ साथ हमने जो आरसीईआरटी एग्जाम के रिलेटेड जो पुराने वीडियो अपलोड किए हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले, तो इसके लिए आपको इस चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे प्रेस करके और ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक करना होगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, राजमेय के संदर्भ में एस डब्ल्यू एस का क्या अभिप्राय है, यानी कि एस ए एस का क्या मतलब होता है? तो इसकी सही मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो दोस्तों, आपको आंसर के साथ साथ क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, भी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, राज ई वेलेट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4, राज नेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर इसका उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें हम लैन की कनेक्टिविटी भी यूज कर सकते हैं, एस वैन की भी कर सकते हैं, और सैटेलाइट की भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ई पी डी एस का उपयोग किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? तो सही आंसर इसका बीपीएल, और बीपीएल की जो फुल फॉर्म है वो बिलो पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन नंबर 6, जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली है? तो इसका सही आंसर रहेगा RAAS। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य की कमी से निपटने के लिए क्या विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन इसके लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ई मित्र और क्यूएसक किस मॉडल पर चलाए जाते हैं? तो इसका आंसर निजी भागीदारों के लिए भी है और सार्वजनिक भी है, तो यानी कि ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है? तो इसका सही आंसर राज ई साइन। क्वेश्चन नंबर 10, सरकारी योजनाओं को हर नागरिकों के पास किसके माध्यम से पहुंचाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ई गवर्नेंस के द्वारा, यानी कि ई गवर्नेंस योजना के द्वारा जो भी सरकारी योजना रहती है उसके हर नागरिक के पास पहुंचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, बी आर एस वाई के तहत कौन से बैंक लोन दे सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिक किसके माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सरकार तक पहुंचा सकते हैं? तो कॉल सेंटर के थ्रू भी शिकायत की जा सकती है, राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप के थ्रू भी की जा सकती है, ई मित्रा क्योसक की तरफ से भी की जा सकती है, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, ई पी डी एस प्रणाली के संदर्भ में एफ पी एस का पूरा नाम क्या है? तो यानी कि फेयर प्राइस शॉप, यानी कि जिसके हम उचित मूल्य की दुकान भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ई पी डी एस प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म, यानी कि MSP का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 15, SSO सुविधा के मुख्य लाभ हैं? तो आंसर रहेगा इसका उपरोक्त सभी, यानी कि बेटर ट्रांसपेरेंसी, सिंगल लॉगिन इंटरफेस या बेटर अकाउंटेबिलिटी, तो उपरोक्त सभी एसएसओ सुविधा के मुख्य लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आधार एनरोलमेंट संख्या और अन्य वितरण के साथ एक स्लिप का प्रिंट दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? और सही आंसर इसका एनक्लोजमेंट, जिसे कि हम एक रसीद बोल देते हैं,
उसका जो सही आंसर रहेगा आधार एनरोलमेंट की संख्या के लिए एनक्लोजमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, पैन का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं कौन सी, किसके थ्रू, एनएसडीएल, यानी कि एनएसडीएल एक कंपनी है जिस जो कि एक पैन कार्ड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18, पीएनआर का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, डीएससी का पूरा नाम क्या है, तो सही आंसर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर एसी का क्या अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्वेश्चन नंबर 21, वेबसाइट www.irctc.co.in किस विभाग से संपर्क रखती है, यानी कि ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर जाके हम क्या कुछ कर सकते हैं, या ये वेबसाइट किस विभाग से संबंध रखती है, तो सही आंसर इसका रेल सेवा है, यानी कि आईआरटीसी एक रेल से संबंधित जो भी हमें इंक्वायरी चाहिए हमें इस वेबसाइट पर जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ईपीआईसी का पूरा नाम क्या है, तो सही आंसर इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 23, पैन का पूरा नाम क्या है, तो सही आंसर परमानेंट अकाउंट नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से आप निम्न कार्य कर सकते हैं, तो आंसर चुनाव सूची से नाम सर्च कर सकते हैं, नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, या सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो यानी कि ये सभी काम हम इस पोर्टल पर कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, NVSP का पूरा नाम क्या है, तो सही आंसर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, यानी कि NVSP का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 26, SSO के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, तो सही आंसर डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान सरकार ने किस माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की ई सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए पहल की है, तो सही आंसर इसका सिंगल लॉगिन इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 28, हेड हेल्ड डिवाइस के प्रकार हैं, तो टैबलेट भी हेड हेल्ड का डिवाइस का टाइप है, स्मार्टफोन भी है, फीचर्स फोन भी है, यानी कि उपरोक्त सभी है जो हेड हेल्ड डिवाइस के टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है, तो सही आंसर इसका वाईफाई। क्वेश्चन नंबर 30, GPS का पूरा नाम क्या है, तो सही आंसर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 31, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स, तो सही आंसर रहेगा इसका एंड्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 32, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन है, यानी कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड नोगाट 7.0। क्वेश्चन नंबर 33, मतदाता सूची में सुधार करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म देख सकते हैं, तो फॉर्म संख्या 8 को मतदाता सूची में कोई एडिट करने के लिए देख सकते हैं, फॉर्म संख्या 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, CPC का पूरा नाम क्या है, तो सही आंसर रहेगा इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कि आंसर संख्या इसकी आंसर नंबर 1 है जो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को सफलतापूर्वक अपलोड होने पर प्रदर्शित होता है, यानी कि जब इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन सबमिट किया जाता है तो उसके बाद जो रिसीप्ट जनरेट होती है एनक्लोजमेंट जिसे हम बोल देते हैं, तो वो कौन सी रिसीप्ट होती है, ITR V। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई इंक्वायरी हो तो आप हमें कमेंट भी जरूर कर देना, जिससे कि हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक करना। तो दोस्तों हम एग्जाम तक कोशिश करेंगे भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम बना सकें उतना आपको बेनिफिट भी होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।